हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। ये देखिए, ये कल वाली जिसमें हमने बताया था दवाई डल चुकी है, उसमें आज हार्वेस्टर चलने लगा है। इतनी कट चुकी है, ये दो तीन राउंड कट चुकी है, ये चौथा राउंड जा रहा है। ये देखिए, परसों डाली थी इसमें दवाई, तो ये कल की धूप में इतनी सूख गई, इतनी में चल जाता है, लगभग पूरी ही सूख गई है। और कटाई भी ऐसी कर रहा है, कटाई तो बिल्कुल नीचे से कर रहा है। और नुकसान देख लेते हैं, हो रहा है कि नहीं। नुकसान ये है, जो जो पेड़ में एक एक हरी घेंटी लगी हुई है वो रह रही हैं, ये उसके भी आधे दाने झड़ रही है, आधी घेंटी बची है। और दाने वगैरह तो ऐसे कुछ खास दिख नहीं रहे हैं, कहीं कहीं दिख रही है कि कहीं कहीं, जैसे कि ये रहा कहाँ गया, ये अब क्या पता पहले के दाने, क्योंकि पहले से भी गिर जाते हैं, जो घेंटी ज़्यादा पक चुकी है वो धूप के कारण सटक जाती है, इस कारण भी गिर सकते हैं, तो यहाँ भी गिरे। ये देखिए, ये पहले से डले हुए हैं, यहाँ पर तो हार्वेस्टर चला नहीं, ये ज़्यादा कोई कोई घेंटी ज़्यादा आ गई हैं, उसके दाने झड़ गए हैं। अब क्या करें, वो दो साइड है, एक हरी को बचाओ तो पुरानी वाली जा रही है, और पुरानी वाली को बचाओ तो हरी जा रही है, क्या करें। अब ठीक है जो है, ये देखिए उसका राउंड आ रहा है, देखते हैं क्या एवरेज लगता है। वैसे आपको मूंग के फल दिखा देते हैं, कितनी लगे हुए हैं एक पेड़ में, ये लगी हुए हैं फल। फल तो ये क्या है? बाद में ये मारू का इल्ली ने सब खराब कर दी, मारू का इल्ली लग गई थी बाद में, उसने सब फसल को बर्बाद कर दिया। कोई कोई में उसने तो दो दो बोरा, मतलब दो दो कुंटल का कम कर दिया, और किसी किसी में ज़्यादा, जो 7 का एवरेज लगना था वो 5-6 का ही लगेगा, क्योंकि उसने फूल को ज़्यादा ही नुकसान कर दिया फूल में। क्या करेंगे, जो है सो है, नेचर है। बदल हो गए उसके कारण, ये मारू का इल्ली हो गई, बदल ने सब आई कई फसल को बिगाड़ दिया, वरना लास्ट में सोचा बस आ गई, लास्ट में ये बदल हो गया, उसके कारण इल्ली लग गई, तो सब एवरेज को डाउन कर दिया, जितनी मेहनत की उसको डाउन कर दिया। ठीक है गाइस, जब देखते हैं कितना एवरेज लगता है। लगता है कुछ दिक्कत आ गई है गाइस, शायद ब्लेड टूट गई है। देखते हैं पास जाकर।